शहीद आजम भगत सिंह के पोते अभितेज सिंह संधू की सड़क हादसे में मौत हो गई। हिमाचल में किन्नौर से लौटते वक्त 26 साल के अभितेज सिंह सड़क हादसे में जख्मी हो गए थे। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हरकीरत सिंह की असमय मौत से परिवार में शोक का माहौल है। हरकीरत ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। अभी तक खुदकुशी की वजह साफ नहीं हो पाई है। हरियाणा में आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से 5 जून को फिर आंदोलन की धमकी पर सरकार इस बार सख्त हो गई है। सावधानी बरतते हुए पैरामिलिट्री फोर्स मंगा ली गई है। सोनीपत में भी 3 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह ने जाट आरक्षण का एक बार फिर समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर जाटों को शेड्यूल 9 में डाल दिया जाएगा तो वो 27% की सूची में आ जाएंगे। करनाल में हुए पाल समाज के राज्य स्तरीय सम्मेलन में सीएम मनोहर लाल ने पाल समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने का भरोसा दिया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने बताया कि उनकी सरकार विमुक्त समाज का नया बोर्ड बनाएगी और पशुपालन के लिए लोन भी दिया जाएगा। अम्बाला में रविवार को बिजली विभाग के शिफ्ट अटेंडेंट की परीक्षा देने आए सिख स्टूडेंट के परीक्षा केंद्र के गेट पर हाथ में पहना हुआ कड़ा उतारने को लेकर विवाद हो गया, जिसकी वजह से परीक्षा 1 घंटा देरी से शुरू हुई। कुछ महीने पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पंजाब कांग्रेस से निष्कासित नेता जगमीत बराड़ ने चिपड़चिली में रैली की और नशे समेत तमाम समस्याओं के मद्देनजर राज्य सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कुलदीप बिश्नोई पहली बार फरीदाबाद में अपने समर्थकों से मिलने पहुंचे। उन्होंने अपने पुराने समर्थकों को एकजुट किया और उनके साथ बैठक की। कुलदीप ने साफ तौर पर कहा कि अगले चुनाव में मुख्यमंत्री के लिए उनकी दावेदारी पक्की रहेगी। चंडीगढ़ में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने रविवार को अलग अलग क्षेत्रों में खास मुकाम हासिल कर चुकी शख्सियतों को सम्मानित किया। इस दौरान शहीदों के परिवारों को भी सम्मान दिया गया। गुरुग्राम के मानेसर सेक्टर 8 में रविवार को इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली एक कंपनी में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की दर्जन भर गाड़ियां लगाई गईं।